मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर रीजनिंग की कक्षा के साथ उपस्थित है। यह हमारा चैप्टर छठा है, दिशा संबंधी परीक्षण, डायरेक्शन रिलेटेड टेस्ट। रीजनिंग में यह आता है और वैसे रीजनिंग की हमारी ये नौवीं कक्षा है। हमारी कक्षा अल्फाबेट से प्रारंभ होते होते हम यहाँ तक दिशा संबंधी परीक्षण आज पढ़ेंगे, आज ख़त्म करेंगे। इस हफ्ते में या अगले हफ्ते तक हम रीजनिंग को पूरा समाप्त कर लेंगे। दिशा संबंधी प्रश्न, इससे एक या दो प्रश्न आते हैं तो दिशा संबंधी प्रश्न में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता है। आप जानते ही हैं कि चार दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो उस पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तीन चार किस्म के प्रश्न आते हैं। एक तो दिशा से रिलेटेड आ गया, आप अपने घर से निकले, दाहिने मुड़े, फिर बाएं मुड़े, फिर उत्तर दिशा में गए, फिर पूर्व दिशा में गए, तो आप किस दिशा में हैं। फिर उसके बाद घड़ी की सुई से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि घड़ी की सुई चलने की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, तो ऐसे दो तीन प्रकार के प्रश्न आते हैं। उनको हम बहुत सावधानी से और ध्यान से देखेंगे। एक दो प्रश्न ही आते हैं, इसलिए ये छोटा लेकिन बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है। देखिए, हम जानते हैं कि चार दिशाएं होती हैं, ये उत्तर, नॉर्थ, दक्षिण, उत्तर, नॉर्थ, दक्षिण, साउथ, पूरब, ईस्ट और पश्चिम, वेस्ट। चार दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आप जहां खड़े हैं, जिस स्थिति में खड़े हैं, तो आंख के ठीक सामने मतलब मुंह जो हमारा है, चेहरा, चेहरे के ठीक सामने जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है। चेहरे के पीछे अर्थात पीठ के तरफ में दक्षिण दिशा होती है। दाहिने हाथ के तरफ में पूर्व होता है और बाएं हाथ के तरफ में पश्चिम होता है। फिर एक बार देखेंगे, आप प्रश्न में जैसे पूछा जाता है तो ठीक उसी डायरेक्शन में जैसे प्रश्न पूछा जाता है अपने आप को रख कर देखेंगे कि हमारी नाक जिस सीध में होगी उधर उत्तर दिशा, उत्तर मतलब नॉर्थ, पीछे मस्तिष्क मतलब नाक के ठीक विपरीत पीठ के साइड में कौन सी दिशा होगी, दक्षिण, साउथ कहते हैं। राइट हैंड के तरफ पूरब होगा जिसे ईस्ट कहते हैं, और लेफ्ट हैंड के साइड में हमारा पश्चिम होगा जिसे वेस्ट कहते हैं। ये मूलतः चार दिशाएं होती है, लेकिन इसमें आप कॉन्सेप्ट को समझिए। मुख के सामने उत्तर दिशा, मुख के सामने उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, पीठ की ओर दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा इसको हम साउथ डायरेक्शन कहेंगे, दाहिने हाथ के तरफ पूरब, दाहिने हाथ की तरफ पूरब दिशा, इसे हम ईस्ट डायरेक्शन कहेंगे, और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन। चार दिशाएं होती हैं, मुंह के सामने
उत्तर, ठीक पीछे, दक्षिण, दाहिने हाथ के तरफ, दाहिने हाथ के तरफ पूरब, और बाएं हाथ के तरफ पश्चिम, चार दिशाएं होती हैं जैसा आप देख रहे हैं। अब ये तो हमारी मूल संकल्पना हो गई, अब इससे इतर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उस संकल्पना को भी देखिए। ये फिर आप देखते रहिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये चार हो गया। अब अगर हम इधर तरफ चलेंगे, इधर उत्तर और पूरब के बीच में, पूरब और दक्षिण के बीच में, दक्षिण और पश्चिम दिशा में, और उत्तर और पश्चिम दिशा में, तो इसको हम कहेंगे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व, इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और इसको कहेंगे उत्तर पश्चिम। चार दिशाओं से आठ दिशाएं निकली, देखिए कैसे हमारे ऐसे ऐसे हमने हाथ किया, नाक के सामने उत्तर दिशा, बाएं हाथ के तरफ पश्चिम दिशा, तो जो नाक और हाथ के बीच से जो रेखा निकलेगी ऐसे वर्टिकल, उसको क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। इधर जो जाएगा उसे क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। पीछे, पीछे के लिए हम नीचे करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, आपकी जो दिशा होगी दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ये तो रही दिशाओं की बात, देखिए इसको लिख देते हैं, उत्तर और पूर्व या पूरब के बीच की दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व, आपका उत्तर और पश्चिम के बीच जो होगा उसे क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। पूरब और दक्षिण के बीच में जो रहेगा, पूरब और दक्षिण के बीच में जो रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व। और जो उत्तर और पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण के बीच में रहेगा, पश्चिम और दक्षिण, दक्षिण के बीच में रहेगा उसे हम दक्षिण पश्चिम कहते हैं। ये रही बात हमारी दिशा संबंधी। ये हमारी घड़ी की दो दिशाएं होती हैं, जैसे ये घड़ी है हमारी, घड़ी की दो दिशाएं आप देखेंगे, ये गोल है, ये घड़ी है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे 8। ये बीच में रोटेटर, ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई, और ये पतली और सबसे लंबी ये सेकंड की सुई होती है। तीन सुइयां होती हैं घड़ी में, एक घंटे की सुई, छोटी सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी घंटे की सुई, बीच वाली मिनट की सुई, और जो सबसे पतली होती है, सबसे पतली वो सेकंड की सुई होती है। ये बात हमारी रही घड़ी से संबंधित, लेकिन इसी से बात नहीं बनती है। ये जैसे जो हमारी ये घड़ी है, ये 12, 6, ये 9, ये 3, ये डायरेक्शन है ऐसे, तो घड़ी की सुई किधर से चलती है, इस 12 से इधर इस दिशा में चलती है। तो जब घड़ी की दिशा में किसी चीज को बताएगा कि वह घड़ी की दिशा में जा रहा है, तो घड़ी की दिशा क्या है, देखिए उत्तर,
ये उत्तर और जा किधर रहता, जा किधर रहा है, पश्चिम के तरफ। तो जो घड़ी की सुई की दिशा होती है, सुई के चलने की दिशा, दिशा हमने बताया पूरब के तरफ, पूरब के तरफ, पूरब मतलब दाहिने हाथ के तरफ, तो चलती है दाएं से बाएं। घड़ी की सुई की चलने की दिशा क्या होती है? दाएं से बाएं। और यहाँ पे तीसरी कंडीशन हम लेंगे घड़ी की, एक 12, ये 6, ये 3 और ये 9। ये अब अगर कहेगा कि घड़ी की विपरीत दिशा में इधर, तो जब हम इधर आ रहे हैं घड़ी की सुई चलने की दिशा में, तो उसको हम कह रहे हैं दाएं से बाएं, अर्थात दाएं से बाएं, अर्थात पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, या राइट टू लेफ्ट। लेकिन जब विपरीत दिशा की बात करेगा तो हम किधर आएंगे? तो ये हम इधर आएंगे तो पश्चिम के तरफ आएंगे, अर्थात बाएं से दाएं। दो कंडीशन होती हैं। इसको अगर आप नोट करना चाहेंगे तो नोट करेंगे कि जो हमारी घड़ी है, घड़ी की चलने की जो दिशा होती है, घड़ी के सुई के चलने की दिशा होती है, वो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, और घड़ी के चलने की विपरीत जो दिशा होती है वो किधर होती है? उल्टी होती है, उत्तर से पश्चिम की ओर होती है। तो जो सीधी दिशा होती है उसको हम क्या कहते हैं? दाहिने की तरफ, दाहिने की तरफ हम चलते हैं, दाएं से बाएं की ओर चलते हैं, दाएं मतलब पूरब, पूरब से पश्चिम की तरफ चलते हैं, और जो विपरीत दिशा होती है वो बाएं से दाएं की ओर हम चलते हैं। ये हमारी बात हो गई। अब देखिए, यह हमारा एक पहला सवाल है कि कुंदन एक निश्चित बिंदु से 10 मीटर उत्तर में चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा व कितनी दूरी पर है? इसको देखिए, यह कुंदन है, पहले 10 मीटर ये चले, 10 मीटर उत्तर दिशा में चले, फिर मुड़कर 7 मीटर यहाँ तक चले, 7 मीटर फिर मुड़कर यहाँ पे चले, 15 मीटर चले, ये 15 मीटर चले, 15 मीटर चले, फिर दाएं मुड़कर 4 मीटर चले, फिर दाएं मुड़कर यहाँ पे वो 4 मीटर चले, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चले, मतलब यहाँ तक आ गए। आया समझ में? कैसे चले? यहाँ फिर दिया है ना कि 4 मीटर और फिर ये 5 मीटर, सबसे पहले इधर 10 मीटर, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, और चले कहाँ थे? यहाँ से। तो किस डायरेक्शन में हैं? आप बात समझिए, ये 10 मीटर वाली दूरी है, यहाँ पे ये 10 मीटर यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, यहाँ से आ गए, और ये नीचे 15 मीटर है, तो ये 15 हुआ, तो 5 बचा, ये 4 मीटर मुड़ रहा है, तो मतलब यहाँ से ये 4 मीटर सीधाई पे, फिर इधर मुड़ के ऊपर की दिशा में 5 मीटर जा रहा है, तो मतलब ये दूरी हो गया, ये और ये जब जोड़ेंगे हम तो कितना हो गया हमारा, 10 और 5 15, तो हम सीधी दिशा में आ गए। मतलब ये किस दिशा में? पूरब दिशा में। ये कौन सी दिशा है यहाँ पे? ये जैसे यहाँ से चला और यहाँ आया, तो यहाँ पे देखिए कौन सी दिशा है? पूरब दिशा। तो दिशा तो क्लियर हो गया, ये पूरब दिशा हो गया। अब यहाँ तक आ गया है इसकी सीध पे, और ये दूरी है आपकी 4 मीटर, ये पूरी दूरी 7 मीटर है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 - 4 = 3 मीटर, दिशा पूरब। कुछ नहीं है, ऐसे सवालों को आप खुद पर सोचकर और कर सकते हैं। दिया है कि 10 मीटर उत्तर चलता है,
फिर 7 मीटर कहाँ चलता है, दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। तो ऐसे हम यहाँ तक आ गए, ये भी 15, ये भी 15 दूरी, लेकिन बीच में ये जो चौड़ाई है ये 7 मीटर है, यहाँ पे 4 मीटर है, लेकिन ये डिस्टेंस हमारी 15-15 दोनों हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, तो ये टोटल 7 मीटर है, ये टोटल 4 मीटर है, ये नीचे वाला यहाँ तक ये जो है चौड़ाई वाला ये बिंदु की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर है, तो टोटल वो कितनी दूर से यहाँ खड़ा है, यहाँ से चला था, ये पूरब दिशा में है, तो 3 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो 3 मीटर पूरब, तो 3 मीटर पूर्व जहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हैं कि सुमन उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, तत्पश्चात वह 20 मीटर दक्षिण की तरफ चलता है, फिर वह वहां से दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। सुमन अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये मान लीजिए सुमन है, सुमन 10 मीटर उत्तर की ओर चलते हैं, यहां से 10 मीटर, तत्पश्चात वह 20 मीटर दक्षिण चलता है, उत्तर जा रहे हैं उसके बाद दक्षिण आ रहे हैं दक्षिण दिशा में, तो देखिए 10 मीटर उत्तर दिशा में चला, उत्तर दिशा इधर है, फिर 20 मीटर दक्षिण चला, तो यहाँ से जब दक्षिण नीचे आएगा तो ये जो दूरी है ये भी 10 मीटर की होगी। ये मान लीजिए कोई बिंदु O है, O से 10 मीटर ऊपर गया, फिर 20 मीटर नीचे आ गया अर्थात दक्षिण दिशा में आ गया, तो यहाँ से जो सेंट्रल से चला था वहाँ से 10 ही मीटर तो हुआ। सोचिए ये कोई कह रहा है कि 10 मीटर कोई उत्तर दिशा, उत्तर दिशा मतलब हम समझाते हैं ऊपर की तरफ, अब फिर 20 मीटर नीचे, ये देखिए 10 मीटर ऊपर चला फिर 20 मीटर नीचे आया, तो 10 मीटर ये और 10 मीटर ये, तो जो ये हमारा सेंटर था उससे कितने नीचे आ गया दक्षिण दिशा में 10 मीटर, तो यही दूरी ये लिखा गया है। फिर वह वहाँ से दाएँ मुड़कर 5 मीटर चलता है, दाएँ मुड़ेगा दक्षिण दिशा में है, दक्षिण से दाएं दिशा में अगर मुड़ेगा तो फिर इधर आएगा और कितना चला 5 मीटर मुड़ा 5 मीटर दाएं चलता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, इधर चल रहा है, फिर दाएं कहाँ जाएगा उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है अर्थात वो यहाँ तक आ जाता है 10 मीटर। डायरेक्शन वाले सवाल हैं, अपने आप को अपने आप के ऊपर रखकर इसको करिए। क्या कह रहा है कि सुमन जो है उत्तर की ओर 10 मीटर चल रहा है, फिर दक्षिण की तरफ 20 मीटर चल रहा है, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चल रहा है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? यहाँ से चला था, यहाँ से यहीं से तो चला था, तो यहाँ से चला था और यहाँ आया है, ये दूरी कितना है 5 है, ये भी दूरी कितना है 10 है, तो कितना मीटर हो गया 5 मीटर। अगर पूछ देगा कि दिशा कितने मतलब किस दिशा में है अपने स्थान से, तो यहाँ से चला था और ये जो हमारी दिशा है किस दिशा में हो जाएगा पश्चिम दिशा में, प्रश्न में दोनों पूछ सकता है, इसका ऑप्शन क्या हुआ 5 मीटर पश्चिम दिशा में। ऑप्शन में केवल दूरी पूछा है तो 5 मीटर जो रहेगा उस पर लगा देंगे, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब आइए कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हाँ फिर दो सवाल देखिए, यह बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन थोड़ा समझने वाला है। राजेश विद्यालय से निकलकर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएँ मुड़कर 3 मीटर चलता है 3 किलोमीटर, अब विद्यालय से कितनी दूरी पर है? देखिए ये हम डायरेक्शन तुरंत प्रश्न आते बना लेंगे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, राजेश विद्यालय से निकलकर पश्चिम की ओर इधर, ये राजेश हैं और उनका ये विद्यालय है, पश्चिम दिशा की ओर चलता है, कितना चलता है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है,
फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, बाएं मतलब नीचे यहाँ आ गया, इधर मुड़कर 2 किलोमीटर बाएं चलेगा तो नीचे आएगा, नीचे मतलब दक्षिण दिशा की तरफ। पुनः बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, पुनः यहाँ से 3 किलोमीटर इधर आ गया, 3 किलोमीटर चलता है। राजेश अब अपने विद्यालय से कितनी दूरी पर है, अब समझिए यहाँ उनका विद्यालय था और यहाँ तक आए हैं 3 किलोमीटर, रिटर्न आ गए हैं, लेकिन ये जो चौड़ाई है वो कितनी है 2 किलोमीटर, ये चौड़ाई कितनी है 2 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ कितनी दूरी हुई, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये आपका यही हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर कैसे समझिए, यहाँ से विद्यालय से 3 किलोमीटर पश्चिम चले, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चले, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चले, तो वह विद्यालय के डायरेक्शन के तरफ बढ़ रहे हैं, 3 किलोमीटर पर बढ़ गए, लेकिन 2 किलोमीटर ये जो चौड़ाई थी यही 2 किलोमीटर वो विद्यालय से दूर हो गए। तो जो ऑप्शन में हमारा 2 किलोमीटर होगा वही ऑप्शन होगा। अब इसी में अगर पूछ देता कि वह विद्यालय से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, इसमें अगर पूछ देता कि किस दिशा में है विद्यालय से किस दिशा में, अब समझिए ये विद्यालय है इनका और कहाँ पे हैं, यहाँ पे खड़े हैं, तो ये विद्यालय हो गया, यहाँ से यहाँ खड़े हैं, तो किस दिशा में हो गए दक्षिण दिशा में, विद्यालय से दक्षिण दिशा में। यही पूछता कि वो विद्यालय से किस दिशा में है, एक प्रश्न हो गया। अब अगर पूछ देता कि उनका मुंह किधर है, जो राजेश हैं उनका मुंह किधर है, तो इधर खड़े हैं पश्चिम के तरफ मुंह करके, तो किस दिशा में इनका मुंह हो जाता पश्चिम। अगर मुंह पूछता किधर है तो पश्चिम, पूछा विद्यालय से किस दिशा में है तो विद्यालय से दक्षिण दिशा में है। यही सब जो भी सवाल है उसको सोच सोच के ऐसे ही आप प्रश्न में से प्रश्न निकाल कर सॉल्व करते रहेंगे। एक और सवाल है इसको, चलकर बाएं मुड़ती हैं फिर दाएं मुड़ती हैं फिर दाएं मुड़ती हैं, तब अब किस दिशा में उनका मुंह है। आपको बताया गया है कि दिशा संबंधी में नाक के ठीक सामने उत्तर दिशा, पीठ की तरफ दक्षिण दिशा, दाएं हाथ के तरफ पूरब दिशा और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा होता है। तो हम अपने को मानकर इसको चलेंगे। फिर अगला सवाल इसमें भी यही बना देंगे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब समझिए क्या, नेहा उत्तर की ओर चलती हैं, ये नेहा है उत्तर की ओर चली हैं, बाएं मुड़ती हैं, बाएं मुड़ती हैं फिर दाएं मुड़ती हैं, बाएं मुड़ती हैं इधर फिर दाएं मुड़ती हैं, बाएं मुड़ती हैं फिर दाएं मुड़ती हैं, फिर दाएं मुड़ती हैं, फिर दाएं मुड़ जाती हैं, इधर आ जाती हैं, उत्तर की तरफ चली, उसके बाद बाएं बाएं फिर दाएं, इधर फिर दाएं इधर। तो उनका मुंह किधर है भाई, चार दिशाएं होती हैं, यहाँ से कर लेंगे, ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो इनका मुंह किधर है पूरब दिशा में, पूरब ऑप्शन में होगा उसको लगा देंगे। मित्रों आज हमने बात किया डायरेक्शन रिलेटेड टेस्ट की, दिशा संबंधी परीक्षण की, 4 ही 5 प्रश्न इसमें हमने पढ़े, लेकिन इसमें घड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट हमने समझा, दिशाओं वाला कॉन्सेप्ट समझा कि पूरब दिशा किधर होती है, पश्चिम दिशा किधर होती है, उत्तर दिशा किधर होती है, दक्षिण दिशा किधर होती है, उत्तर दक्षिण किसे होती है। जब आप प्रश्नों को सॉल्व करें तो अपने आप सोच कर ही कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं है। इस प्रश्न को जितना उलझाएंगे उतना उलझेगा, तुरंत इस प्रश्न को निकाल के तुरंत सॉल्व कर देते हैं। अगर आपको यह कक्षा हमारी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें, अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों तक हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, जो पढ़ने वाले हमारे छात्र हैं, हमारे मित्र हैं, भाई बहन हैं,
उन तक इस वीडियो की पहुंच को बनाएं। आप हमसे हमारे जितने सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं, प्लेटफॉर्म हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक पेज हो, ट्विटर हो, उस पर @ElvinClasses सर्च करेंगे तो आप मुझे पाएंगे, अर्थात अपनी कोचिंग इलविन क्लासेस को आप पाएंगे, उसको फॉलो कर सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7081788388। आप अपने कमेंट, अपने विचार वीडियो देखने के बाद ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है, क्या क्या सुधार की ज़रूरत है और क्या होना चाहिए, फिर हम ऐसे ही क्रमवार रीजनिंग वाले प्रश्नों को आगे बढ़ते चले जाएंगे। 13 से 14 इसमें चैप्टर हैं, हमने लगभग आधा चैप्टर समाप्त कर लिया है, 6। आप हमारे साथ बने रहे, आपका सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।